यो ओके ये थोड़ा ख़राब हो गया सीन, वेट अ सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड। ऑल राइट, तो फाइनली कैमरा है सेट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया वाली यहाँ से लाइट भी आ रही है मेरे को। मैं इसलिए मोस्टली जो वीडियोस है वो यहीं से रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि लाइट बढ़िया आती है, एंगल बढ़िया रहता है मेरे टेबल से यहाँ से, एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड ठीक लगता है। बस ये जो पर्दे हैं ये बंद होते तो थोड़ा बेटर होता, इसलिए हमारे पास पर्दे बंद करने का ये क्या था तो कुछ नहीं है, एक निंजा टेक्निक है, तो मैं वो सिखाता हूँ अभी ठीक है। 3, 2, 1 ओके, सो वी आर डन फाइनली। सो आज हम लोग एक व्लॉग बनाने वाले हैं एंड तुम लोग उस व्लॉग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, तो अभी लाइक कर दो। वैसे मैं ही एक फालतू वीडियो कर रहा हूँ पता नहीं। तो हम आज अपना एक घर के दिन वाला व्लॉग बनाएंगे, बट उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा स्कूल में होके आ रहे हैं तो स्कूल का थोड़ा सा शूटिंग वूटिंग कर ली जाए। शूटिंग वूटिंग आई मीन व्लॉग टाइप, थोड़ा व्लॉग तो नहीं लगेगा ये बहुत अजीब था, बट स्टिल ट्राई किया व्लॉग टाइप बनाने का, तो देख के बताओ कैसा है, फिर हम आते हैं घर पर करते हैं। सबसे पहले हम दीवांश के पास आएंगे। दीवांश आप क्या कर रहे हैं? क्या बोला तूने? यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे हमारी क्लास की सारी देवियाँ बैठी हैं, लंच खा रही हैं। इंस्टा पे डालूंगा, इंस्टा पे डालूंगा, अब यूट्यूब पे डालूंगा। दुकान है मतलब हमने सुना है बहुत फेमस है, क्या है खत्म? यहाँ पे मशक्कत करते हुए टिफिन लंच खोलने के लिए सबसे फेमस इंसान, सबसे फेमस इंसान पीछे पीछे आ रहे मेरे कैमरा में। भाई वो करो ना, अपने डांस करो, मैं म्यूजिक लगा दूंगा बैकग्राउंड में। हैप्पी लिम, हाँ भाई, एक स्टेप, ओहो ये तो गलत हरकत थी। आई विल टीच यू तू पहले सारे मैं तेरे को लेता हूँ। ये हमारे श्योति लड़के ये इनको मेरे जी के दौरा पड़ेगा। अब लड़का आया ना, अब गेम खेलूंगा मैं। ये सब कहने वाली बात है, करने को एक बार बार वाला भी तेज हां भाई यार, चलो चलो कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी तो हाथ लगा है इसका, हाथ तनिष्क का हाथ, अभी तो हाथ आया मेरे। हां भाई इसका तेज लग रहा, कोई और लगा बीच को था इसके नीचे का था सारे पीछे क्या दे रखा था इसका हाथ इसके ऊपर दे रखा था। नहीं बस मेरा था इसका, था फिर मेरा था। तू रख ये मारेगा अगला कुनाल तो मैं रखूंगा, अब तू ऊपर रख। अबे तेरे ऊपर तो यह मारेगी असली। अरे हां एक मिनट मेरे नीचे, हां चलो मैं सेफ हूं। दवाई पतले का हाथ उसके, वो सारा गुस्सा निकाल के मारेगी असली। ये नेहल की ताकत, नेहल शक्तिमान। अबे तुझे क्या हो गया सर? लड़कों की बात अलग है ना। हां सॉरी एक मिनट निकला। हां ला 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 ला, क्या अबे नशे में बहन के लोग साले तू पीछे हो जाओ। आया कोई मर मर गया तो सपोर्ट तो रहेगा ना कि ये रे निशान को कोई मरा था यहाँ पे। अरे तेज मार लो ना, कुछ नहीं हो रहा भाई। जो कितने दिन मारती है तनिष भाई, भाई नहीं है मेरा, तनिष भाई नहीं है, बहन के भाई मेरे। वो गाली देता तेज मारी, गाली दी कहाँ है, सबसे ताकतवर है भाई ये लड़की। किसके हाथ लग रहे हैं, सबसे तेज ही लग रहे हैं। इसकी माँ की इतना की शकीड़ा करो। आराम से मारने की हो रही है भाई, पक्का क्या? नहीं पक्का हो रही है, आराम से मार सकते हैं। पहले तुम मार भाई, तेज मैं मारूंगा। मेरे आगे हाथ किसी का सही नहीं आ रहा, इसलिए तेज नहीं मारना। आवाज बहुत मार भी नहीं रहा। एक तो पता प्रॉब्लम क्या है, जो जोर से मारता है ना उससे बदला भी नहीं ले सकते, क्योंकि नेक्स्ट कोई और है मार। अबे क्या हुआ भाई, सही से हाथ नहीं आ रहा ना।
ऐसी मारी ये सब मुझे भड़का रहा है निकल रहा है मेरा अब मैं ऑफिशियली घर जाके बोलूंगा मेरा इसने मेरा खून किया है कुना खून चूसने के लिए मच्छर बदनाम है हम तो रेड हैंड बीच में मैं कहता हूँ 400 मच्छर छोड़ दो सारे मर जाएंगे भड़क देखो गए दरिंदा सबसे खतरनाक इंसान भाई तनिष तू भी जा रहा है नहीं मत जा तनिष तू मत जा मैं तो भाई तुम्हारे साथ चलूंगा तू आएगा मेट्रो में नहीं तेरा मेट्रो वाला रूट नहीं है ना तू चलिया कर देख क्या है बच्चा तू कैमरा के सामने आज हो रही है अब बोलेगी तू कैमरा मेरे सामने आ गया अजय करना आज तक के लाइव आया क्या वो कर नहीं यहां से पता ऐसा यहां से यार भाई यूनिक है जंग लग गया इस पत्ते पे यार बस की जगह के समय तो अपनी सुरक्षा अपने लिए यू लाइक दिस हां यार तो क्या कर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाया पता है मेरे उस दिन 800 फॉलोअर्स हो गए मैंने कहा यस सेलिब्रिटी हो गई फिर मैंने कहा बैठा था वेला मैंने कहा चलो निहल को भी बढ़ाते हैं उसने दो तीन बार बोल रखा है मैं 5-6 लोगों को बोल रहा हूँ यार फॉलो कर दो फॉलो कर दो उन्होंने बोला हाँ भाई हमने कर दिया ठीक है फॉलो बैक की रिक्वेस्ट आ रही है नहीं 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 मैंने कर दिया ठीक है मैं तेरे बाबा फॉलोअर चेक कर रहा हूँ उतने ही मैं बोला कर दो यार बोला कर दिया मैंने फिर चेक करा उतने ही है फिर मुझे टी शर्ट भेजा मैंने देखा रिक्वेस्टेड वो पता नहीं तेरा अकाउंट प्राइवेट है बोला पब्लिक अकाउंट है तेरा अच्छा एक मिनट तेरा अकाउंट प्राइवेट है और तू बोल रही है फॉलोअर बढ़ा दे पब्लिक रख दे वैसे पब्लिक करते बढ़ जाएंगे वैसे ही मतलब काफी बढ़ जाएंगे पोस्ट डाली तो हजारों बढ़ जाएंगे पोस्ट डालेंगे तो मिलियन मिलियन बढ़ जाएंगे क्यों देखो मैं करके दिखाना चाहूंगा मेरी पर्सनल मेट्रो है हालांकि हमने कुछ कमजोर लोगों को लिफ्ट भी दी है इस बार ये देखो हाँ एपिक फील आती है यस ये देखो हमारे साथ कौन ट्रैवल कर रहा है 1.45 लाख करोड़ ओ माय गॉड इतना पैसा चाय बेच के कमाया है इसने एक मिनट ये कह रही है सीनियर सिटीजन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैं तो बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रही है और बहुत अमेजिंग सीन क्रिएट हुआ है तो भाई यू कैन कॉल मी सीनियर आई एम टैलेंटेड ऑल्सो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे जॉइंट है डब्बा खोल दे इस डब्बे में दो तीन लोग और बैठे हैं उन्हें भगा देते हैं डब्बा घर लेके जाएंगे ऐसे हमारा स्टेशन आ गया भाई मेरी रिकॉर्डिंग कब चालू करी थी 2 मिनट हो गए रिकॉर्डिंग को हम पहुँच गए अरे भाई यहाँ चढ़ती है और यहाँ चढ़ती है भीड़ बोल देंगे बहुत लोग जा रहे हैं हम जाएंगे सीढ़ियों से तो मत जाइए मछली हो जाएगी हम जाएंगे हाँ यार ये बात तो मैंने भी नोटिस की मैं जाऊंगा सीढ़ियों से पर मैं देर से पहले पहुंचूंगा ये चैलेंज ही तू ये भी ट्राई करेगी तू भी पहले नहीं पहुंच पाएगी चल के जाऊंगा गाइस हम लोग आ चुके हैं आस्ते यहाँ से मेट्रो मेरी खाली हो रही है देखने में तो एयरपोर्ट लग रहा है थोड़ा थोड़ा ये क्या है पुलिस पुलिस हो रखी है
जो कह रहे थे मुझे पुलिस बोलेगी बेटा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मुझे पुलिस बोलेगी बेटा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, मैं बोलूँगा ये भी बोलेगी तो मैं बोल दूंगा आपको यूट्यूब में फीचर करूँगा, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दूँगा आपको 5-6 फॉलोअर बढ़ाऊँगा, बढ़ाने को तो बहुत बढ़ा दूँ, तो मेरे सिर्फ 800 फॉलोअर होगा, मुझे खुशी बहुत हो रही है, पता नहीं क्यों अलीना के देखे 1000 से ज़्यादा है मेरे, उतने हो जाए मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊँ कि मेरे कैसे हो गए इतने फॉलोअर। नेली तू ही है ना जिसने ये फिंगरप्रिंट लगाए थे, हाँ। देखो मैच भी कर रहे हैं गाइस, आई फाइनली फाउंड द पर्सन जो दिल्ली मेट्रो गंदा करके गई थी, देखो पूरा खाली है, जब मैं मेट्रो नहीं भी बनी थी ना तो यही यहाँ पे पेंट वेंट लेके आई थी, मैं जो भी दिखा रहा हूँ ना सब यूट्यूब पे जाएगा, सच सच बताइए किसने किया है, कैसी फायर का प्रमोशन कर दिया तुमने, वो देख ली राजकुमार राव की कौन सी आई है अभी, हाँ देख ली कल एपिसोड आ गया ना उसका परसों, मतलब कपिल शर्मा में गेस्ट बन के, कपिल शर्मा नहीं देखती देखती हूँ, यही तो है दिल्ली की, देखो दिल्ली की सुंदरता देखो सब दिल्ली में है, नहीं नहीं ताजमहल नहीं है, बहुत कुछ दिल्ली में नहीं है यहाँ पे, अबे लोटस टेम्पल कहाँ है इंडिया में, इसकी फोटो क्यों लगा रखी है, इंडिया में है रहा बस उनको दिल्ली में, सॉरी सॉरी सॉरी, अबे अरे यार एक ऑस्ट्रेलिया में भी एक आइलैंड था ना, मैंने उससे कंपेयर कर लिया, ये देख गाइस यहाँ पे किले लगा रखी है ताकि ये वहाँ पे ऊपर ताकि ये लटक ना जाए ऊपर, अगर किसी ने नोटिस किया यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मिस्ट्री होगी क्या पता, इस डब्बे के अंदर दुनिया का सारा सोना रखा हो है ना, जब ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं तब काम आएगी, आज पहली बार बना रहा हूँ तेरे को फ्यूचर की, ओ मैं आई सर्वाइव, मैं गिरने वाला था कसम से, मेरे को पता ज्यादा मार किस पे पड़ती घर पे फोन तोड़ने के लिए, जो अबे डाल रखा नहीं होता कुछ, वाटर प्रूफ है यार कुछ और हो ना, वो यहाँ फोन में लग रहा है जैसे एयरपोर्ट पे है, ऊपर लग रहा नीचे लग रहा था एयरपोर्ट पे है, अब बोलो अब ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब बोल के दिखाओ, ये अच्छी बात है ना, देखो अबे यार ये इसे चला भी दिया करो, ऐसे तो आप घर जाएगी अपने, चल भाई, हेलो गाइस अब हम लोग जो है हमारा मिशन ये है कि अब हमें गंज घर पहुँच रहा है सीधा सीधा, ठीक है, एंड आई थिंक इस एंगल में अच्छा नहीं बनेगा, एंगल चेंज कर लेते हैं, मैंने एंगल चेंज कर लिया है, एंड आई नो बहुत ज़्यादा गंद ब्लॉग बनाया, आई मीन ब्लॉग किसे बोलेंगे ही नहीं, मतलब कैमरा ऑन करके मैं बस मकलोली जो कर रहा था, बट स्टिल मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगा, एंड ये सब बस तो मस्ती वस्ती हम लोग स्कूल में टाइम पास करते हैं उससे मैंने रिकॉर्ड किया है, बाकी हमारे साथ दिमाग भी जाता है जिसे तुमने देखा ही होगा इंस्टाग्राम की वीडियोज़ या स्टोरीज में, मेरे स्कूल में भी मैंने दिखाया था जो लंच कर रहा था वो हमारे साथ ही जाता है, हालांकि आज अलग से गया, एंड यह दिस वॉज फन द स्कूल डे, इससे आगे हम अब घर की लाइफ कंटिन्यू करते हैं अपनी, बाकी यहाँ पे तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं यहाँ से लेके काफ़ी आगे तक जो है फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सब फाइनली मैं ढंग से ब्लॉग बनाने के लिए अपना चेहरा भी एक बार सदा दिखाई दे, बाकी अपने घर के रास्ते पे ही जा रहा हूँ फिलहाल, एंड घर जाके देखते हैं क्या करना है, कल भी हमारे को स्कूल में कुछ काम है, सर ने बुलाया सेलिब्रेशन के लिए दिवाली की, वो भी 1:30 तक 3.5 घंटे, कहा है कि हमें डेकोरेशन करनी है जो कि हम घंटा नहीं करने वाले बिल्कुल भी, ठीक है हमने सबको एक एक काम दे दिया है, ठीक है कौन रंगोली बनाएगा, ठीक है कौन पोस्टर बनाएगा, कौन रील्स बनाएगा, कोई सेंसेस बात नहीं, ओके जस्ट किडिंग, बाकी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं ये शायद
देखो ये बस ये बहुत हज़ारों साल पुराना टॉम्ब है, सिर्फ मेरे यहाँ मिलेगा। सो ऑफकोर्स अपने स्कूल का नाम नहीं बताऊँगा मैं, बट यह स्कूल में चिल मारा हमने, बहुत बढ़िया वाला मज़ा आया। एंड मे भी ऐसे और ब्लॉग्स आएंगे आगे भी, तो सब्सक्राइब कर दो। एंड अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं अपने घर के एरिया के पास जाने वाला हूँ। जैसे ही हम पास पहुँचेंगे मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा, ताकि तुम्हें मेरा घर ना पता लगे कहाँ पे है। यू नो फैंस मीटअप के लिए आएंगे। कोई सेंस है इस बात की? फाइनली वी आर एट होम। I will show you a magic trick. Nice. Finally हमने okay, ये क्या था? तो हमने कपड़े जो हैं चेंज कर लिए हैं एंड अब हम नॉर्मल वार्डरोब में आ चुके हैं। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। आई मीन व्लॉग बिगिन नहीं हो रहा, ऑफकोर्स बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है इस व्लॉग में। सो अभी फाइनली हम अपने रूम के अंदर हैं एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है व्लॉग कैसे बनाते हैं। तो वैसे ही ट्रांजेक्शन जो मैंने अभी की बहुत बुरी थी ट्रांजेक्शन, कुछ अकाउंट्स पढ़ता हूँ मैं इसलिए ट्रांजेक्शन ज़्यादा निकल जाता है मुझसे। ये ट्रांजेक्शन मैंने अभी की बस टाइम पास था, ठीक है इसे दिल पे मत लेना, डिसलाइक करके चले जाओगे, पता है मुझे बहुत बुरी चाहिए वाली, बट डैट्स ओके। एंड आज स्कूल डे का, तो हमने स्कूल डे का ढंग से नहीं बनाया, बाद में का भी बनाएंगे, बट वैसे हमने एक सिंपल सा व्लॉग बना लिया है, क्योंकि सिंपल सा स्कूल में हम चिल मारते मारते इधर उधर घूमते फिरते। बट नाउ हम घर पे आ गए हैं, जो घर में मज़े बसे तो पता नहीं क्या ही मारेंगे, बट जो भी आ जाएगा दिन हम देखते हैं क्या होता है। इस देश के हर बच्चे की तरह मैं भी डेली जाकर फ्रिज खोलता हूँ एंड अंदर देखता हूँ कुछ खाने को है क्या। एंड यहाँ थोड़ा सा बटर पड़ा हुआ है जिसका कोई काम नहीं है। यहाँ एक एप्पल है जो कि न्यूटन के ऊपर गिरा था, सबको पता ही होगा, ये मैंने रख लिया था कि किसी और के ऊपर ना गिरे और वो फिजिक्स की और ना बैंड बजे। और यहाँ पे कुछ फ्लेक्स सीजनिंग्स जो कि पिज़्ज़ा के साथ आती हैं, एंड सबको पता है हमें रख लेते हैं, ये मैं मैगी वैगी मतलब सबके साथ खा सकता हूँ, ठीक है। एंड एज वी नो कि हमेशा खोलते हैं अंदर कुछ होता नहीं, बंद कर देते हैं। ये है मेरे घर का फेवरेट शीशा जहाँ पे फोटोज़ में भी मैंने इंस्टाग्राम पे, हाँ एक डाली है फोटो एक वॉल ड्रॉ में, एंड यहाँ से लुक अच्छा आता है एंड नो शो ऑफ, ठीक है ये सिर्फ एक ये गिफ्ट है शो ऑफ नहीं कर रहा है, बट हाँ मेरे को अच्छा लगता है कि ये शीशा ना इनफ है इसका ऐसे फोटोज़ लेने के लिए भी, एंड मतलब कोई तैयार व्यार मतलब ऐसे देखने वेखने के लिए पूरी बॉडी कर करता, बाकी एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा मैं, बट फिर भी ठीक है एकदम बॉडी शेप में है, तो खाना पीना दबाओ पी लो एक्सरसाइज सब मुँह में है। बाकी ये देखो सैनिटाइजर थोड़ी सेफ्टी रखते हैं भाई, फिस मारता हूँ इस कैमरे पर ऐसा कचैक चोंग नहीं हूँ मैं। ऑलराइट वेल पता नहीं क्यों ये हरकतें कर रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ मे बी नॉट श्योर। एंड हाँ ये चश्मा अगर तुम नोटिस करोगे ना ये थोड़ा चोमो टाइप नहीं बोलेंगे, अच्छा लग रहा है ये, बट एक उस टाइप का है जो मतलब होगा कि जो प्लास्टिक की आस पास बाउंड्री होती है वो बनी नहीं है, ठीक है अलग टाइप का है। बताओ मेरे पास ऐसा चश्मा क्यों है? रीज़न इस कि मैं जब ऐसे ये वाला करना पहनता हूँ ना, ठीक है टर्बन, तो ये थोड़ा ईजी रहता है एंड ऑल्सो ये थोड़ा कूल लग रहा है, मतलब ठीक है मेरा साथ अच्छा लग रहा है, यू नो इसमें आइस थोड़ी नॉर्मल लगती है तो मस्त लग रहा है। बाकी मेरे पास दूसरा चश्मा भी है जो कि कवरेज वाला है, सिंपल वाला है। इंस्टाग्राम पे अगर मैं स्टोरी को मतलब मेरी जो ले लास्ट पोस्ट थी इंस्टाग्राम पे उसमें जो चश्मा पहना हुआ मैंने रखा हुआ है वो बाकी कामों के लिए, तो थोड़ा ये सेंसिटिव भी जरूर टूट सकता है, इसमें बहुत कम पहनता हूँ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वहाँ जैसे फर्स्ट ही पहना है मैंने। बाकी शीशे के सामने ही पूरी विंडो डिस्कवर नहीं कर रही तो हम आगे बढ़ते हैं। बाकी मेरे पास एक बहुत एपिक चीज़ है तुम्हें दिखाने के लिए जो कि हर घर में मोस्ट प्रोबेबली होती है, जो मैंने कभी लगवाया बट इस रूम में बहुत अपील होता है, तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा मैं। सो करेंटली मैंने लाइट ऑफ कर दी है एंड बहुत अजीब क्वालिटी आ रही है, डोंट माइंड, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो ये तो कूल लगता है, आई मीन पता नहीं कितना कैसे आ रहा है, बट देखो अगर रूम देखो ये देखो ये आइटम है, इसमें मैंने सारे रंग में देख रहे हैं बहुत सारे रंग में, एंड
ये इसको ही फेस्टिवल हो तो इसे पूरे दिन लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली लाइट जलती है, पर एक मिनट दिखाऊँ वो देखो कैसे लग रहा, कोई टूटता तारा सन लग रहा है, इसलिए बहुत एपिक फील आता है। एंड ठीक है, इसको फोटो खींचना अच्छा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, बाकी तो बढ़िया है। बाकी हम इसे ऑफ कर देते हैं विद माई स्ट्रॉन्ग हैंड्स। जो गेम गेम फॉलो करते हैं, वो लोग पूछ रहे थे भाई क्या वाईफाई का क्या सिस्टम है, तो ये वाला वाईफाई लगा मेरे घर पे। QR कोड स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें चार डंडे लगे हैं, इसके चार पैर हैं एक शरीर। ओके भाई, इसकी तो बहुत लूज है भाई यार, देखो भाई हिलते भी हैं ये पैर इसके, देखो इतने सॉफ्ट हैं। बाकी ये वायर जा रही है और यहाँ से पावर मिलती है, एंड जो ऊपर वायर जा रही है वो उस बॉक्स का क्या काम है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ नॉर्मल में। बाकी केबल वाली वाइफ है तो वो तो वहाँ से बाहर निकल जाती है, बट हाँ मैं शो ऑफ फिर से नहीं कर रहा, मतलब शो ऑफ क्या बोलूँ, बट इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। इसे शो ऑफ वाली बात नहीं, मैंने बता रखा ऑलरेडी गेमिंग चैनल पर है ना, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इसे लगवाया था, लगवाने का रीज़न एक ही था, तो लगवाया मैंने उसे इसलिए था क्योंकि मुझे स्ट्रीम्स वगैरह करनी रहती है, एंड लाइव स्ट्रीमिंग मैंने बहुत टाइम से बंद कर रखी है। एक्चुअल में मैंने गेमिंग चैनल ही बहुत टाइम से बंद नहीं किया है, बट वीडियो नहीं डाली है उस पर, एकदम ऑफलाइन हो रखा हूँ अपने गेमिंग चैनल पे। उसका रीज़न ये है, इस चैनल पे थोड़ी सी मेहनत करनी थी। सेकेंडली अब देखो ऑनेस्टली बोलूँगा, टाइम बहुत कम मिलता है गेम खेलने का, बहुत कम, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गया हूँ मैं, बट फिर भी गेम खेलने का टाइम थोड़ा कम मिलता है, और काम अब आ गए हैं, ठीक है, ठीक है, और कुछ भी करना होता है भाई, ये काम भी होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब बच्चे थोड़ी हैं यार, मतलब अब पढ़ाई ये समझ सकते हो, पढ़ाई भी अब है, कुछ टाइम मांगती है कि भाई मेरे को भी टाइम दे, तो वो वाला सीन मेरे साथ अभी चल रहा है। बाकी मैंने ये रूम दिखाया है कि नहीं दिखाया है, मैं अपने रूम का टूर अभी करने का मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं नहीं करूँगा, जो मर्जी कर लो। बाकी देखो यार, व्लॉग मैंने बहुत कम लोग देखा जो अपने घर में बनाते हैं, मोस्ट लोग व्लॉग बनाते हैं बाहर, ठीक है, तो कहीं घूमने गए, तो मैंने इसलिए स्कूल वूल में ही बना लिया, क्योंकि मैंने कहा यार मैं तो डेली स्कूल जाता हूँ, ऑफ कोर्स स्कूल डे बहुत एपिक जाता है, तो मैंने कहा अगर फ़ोन नहीं लिया जा रहा हमसे तो एक व्लॉग टाइप बना लेते हैं, तो व्लॉग भी नहीं किया मैंने, जो वो बकलोली की तुमने देख ली, ठीक है। बाकी घर में ही हूँ मैं, तो अभी घर में तो और स्पेशल क्या ही कर सकते हैं हम लोग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसे और व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर देना, एंड आई नो मेरा पहला भी चैनल है तो व्यूज़ तो आ जाएंगे, बट आप लोग सब्सक्राइब शायद अभी ना करो, तो कंटेंट अभी और आएगा तब आप इंजॉय, कैमरा के मिल रहा है तो शायद आप और इन्जॉय करो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, एटलीस्ट लाइक तो कर ही देना, बाकी शेयर करते जाना, और फर्स्ट टाइम ब्लॉग था थोड़ी कमियाँ कम निकालना।